राजस्थान की राजधानी जयपुर में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर के पूजा और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीले चावलों के तौर पर अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण आया है। क्षेत्रवासियों में इस निमंत्रण को लेकर काफी हर्ष का माहौल है। इस अवसर पर रजनी विहार के क्षेत्रवासी घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं और रामलला के भव्य मंदिर के शुभारंभ में आने का न्योता दिया। इस अद्भुत कार्यक्रम को हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार के रूप में मनाया गया। पीले चावल बांटते समय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। आमजन ने बताया कि 15 जनवरी तक घर घर जाकर पीले चावल बांटे जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर के शुभारंभ के साथ रजनी विहार के शिव मंदिर में भी कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा कर शुभारंभ किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसको लेकर उनमें खासा उत्साह है। रजनी विहार विकास समिति के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने बताया कि 70 युद्ध, 20 पीढ़ियां और 497 साल के इंतजार के बाद ये गौरवशाली दिन यानी 22 जनवरी 2024 हमारे सनातन धर्म के लिए आ रहा है। इसी क्रम में 22 जनवरी को अयोध्या में भी श्री रामलला के भव्य मंदिर का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में शुभारंभ होने वाले राम मंदिर कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी यजमान के रूप में हिस्सा लेंगे। शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को ही रजनी विहार कॉलोनी में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। बताया कि मंदिर में श्री राम दरबार, राधा गोविंद, माँ जगदम्बे सहित गणेश जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। घर घर में दीप जलाए जाएंगे। रजनी विहार और अयोध्या के इस कार्यक्रम को लेकर देश विदेश में भी पीले चावल बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अभी तक भारत देश के अलावा विदेशों में भी कई सैकड़ों किलो चावल के माध्यम से न्योता दिया जा रहा है। आज 500 साल के बाद में बड़ी तपस्या और इसके बाद में हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है और हम सभी जगह उत्साह के साथ एक जो हमारा 22 जनवरी का जो दिन होगा वो एक हमारी दीपावली के रूप में मनाएंगे बड़े हर्षोल्लास के साथ और काफ़ी हर मंदिर में उत्सव आयोजित किए जाएंगे। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही भगवान श्री राम मंदिर की, इसको हम महाउत्सव के आनंद महाउत्सव के रूप में मना रहे हैं। सबसे हम ये कह रहे हैं कि इसको दीपावली की तरह बनाना है, घर घर में घर को सजाना है, दीपक जलाने हैं, भजन कीर्तन यज्ञ अनुष्ठान सब करने हैं। इसको एक नया मैसेज पहुंचाना है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, इसको महाउत्सव के रूप में मनाना है।